आज कोंकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट। लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। 2500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। इलाके में पूर्णा नदी दिखा रही है रौद्र रूप। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित। बारिश की वजह से कई गांव में भरा पानी। बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है असर। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा की बरसात। पटरी पर उतरी लोगों की जिंदगी। पूर्णा नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाके डूबे। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक पानी पानी। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फीट ऊपर। गांव और निचले इलाकों में कम से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नवसारी शहर और आसपास के इलाके में रहने वाले 2200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। 15 मेडिकल टीम तैनात। नवसारी जिले में अधिकतर जगहों पर सड़कों पर बह रहा है पानी। 70 सड़क मुख्य 4 सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। कई गांव में पानी भरने से 113 आंतरिक सड़कें बंद। तापी जिले में वालो तालुका के गांव में 500 लोगों को आश्रय गृह में स्थानांतरित किया गया। 4 तालुका के गांव में भरा पानी। 113 आंतरिक सड़कें बंद की गई। दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी। डांग जिला भी भारी बारिश से प्रभावित हुआ। सुबीर में 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। डांग जिले के जीरा झरना ने लिया रौद्र रूप। लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरचुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा 7-8 फीट पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने से गांव डूबे। गणेशपुर गांव में 8 फीट तक भरा डैम का पानी। लोगों ने जान बचाने के लिए पास के गांव में शरण ली। गांव के लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। रात में भी चला रेस्क्यू अभियान। ग्रामीणों ने अचानक पानी आने के बाद जो जहां था भागकर जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बाढ़ का कहर। गांव में अचानक पानी घुसने से अनाज और घरेलू सामान पानी में डूबे। विश्रामपुर के सामुदायिक भवन को अस्थायी राहत कैंप बनाया गया। छत्तीसगढ़ में उफनाई शिवनाथ नदी का कई इलाकों में कहर। स्कूल और सरकारी दफ्तरों में भरा पानी। जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर में दस्तावेज भी बहे। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी। गिरवर इलाके में कोड़ी नदी के उफान से निचले इलाकों में भरा पानी। कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों को परेशानी। एमपी के डिंडौरी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का बुरा हाल। क्लास में छाता लेकर बैठने को मजबूर है छात्र। 2005 में बनी बिल्डिंग में कई जगह से रिस रहा है पानी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना का दिखा रौद्र रूप। पानी तेज धार के साथ बहते मलबे ने निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां मलबे में दबी। नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को भी नुकसान। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से मालियूस पुल डूबा। कई इलाकों का संपर्क टूटा। पानी कम होने पर ही खुलेगा ये रास्ता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा। तीर्थयात्रियों समेत करीब 50 लोग फंस गए। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने से टेम्परेरी पुल तबाह। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद भी राहत नहीं। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में लोगों को घरों से निकलना अब मुश्किल है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ में फंसी छात्रा को लोगों ने बचाया। बलियांबा गांव में चीतल नदी का पुल पार करने के दौरान की घटना। पुल के बीच पहुंचने पर एकाएक पानी बढ़ गया। पुणे में आई बाढ़ से भारी नुकसान। एनसीपी एसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा सरकार के कुप्रबंधन के कारण आम जनता परेशान है। ईमानदार करदाताओं को सरकार ने धोखा दिया। नौ सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी खबरों का अपडेट जान लेते हैं।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज। विकसित भारत के एजेंडे पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को छोड़कर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को फिर से वापस लेने की मांग। गैर बीजेपी शासित राज्य तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप है। नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम योगी समेत कई राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में सुबह 10 बजे से शुरू होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक से पहले ममता बनर्जी का बयान। कहा, बजट में बंगाल से भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने का भी ममता ने दावा किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला। कहा, यह सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, बस इंतजार कीजिए। बीजेपी नेता सुमेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर वार। कहा, ममता बनर्जी ने कहा उन्हें नीति आयोग पर भरोसा नहीं है, फिर भी जो वो बैठक में जा रही है उसके क्या मायने। उत्तर बंगाल पर बयान देने वाले बीजेपी नेता की मांग पर भड़की ममता बनर्जी। बोली, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये लोग टुकड़े टुकड़े की बात करते थे, अब खुद ही वही कर रहे हैं। उत्तर बंगाल को लेकर के जारी सियासत पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार बोले, ममता राज में उत्तर बंगाल वंचित है, जो जनता को गुमराह करने वाली मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। कहा, झारखंड के संथाल, परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का किया समर्थन। कहा, मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध। कहा, बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था, एक ही रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री की अक्षमता पर उठाए हैं सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी केंद्र का विषय, केंद्र पूरी तरह से असफल रहा। टीएमसी नेता सुदीप बंगोपाध्याय बोले, बीजेपी जितनी बार इस तरीके की बातें करेगी उसका भविष्य सीपीएम और कांग्रेस की तरह होता जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में बीएचपी नेता बजरंग लाल बागड़ा का दावा। कहा, हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई मिशनरी से खतरा। कहा, अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को चार बच्चा पैदा करने वाली सलाह दी। बोले, हिंदू औरतें फिगर मेंटेन करना बंद करें, कम से कम चार संतानें होनी चाहिए। अग्निवीर योजना पर विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब। सेना में सुधार के लिए कदम, भ्रम न फैलाए विपक्ष। अग्निवीर जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं विपक्ष। करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में पुलिस और पीएसी में मिलेगी अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ। छत्तीसगढ़ में भी अब अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा आरक्षण। विष्णुदेव सरकार ने लिया फैसला। अग्निवीरों को लेकर ओडिशा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा, 5 साल की आयु में छूट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद नरपड़ी अपना दल। कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल प्रयागराज की सभा में योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर अटैक। बोली, सम्राट से पहले पगड़ी छीनी गई, फिर अध्यक्ष पद छीना गया और आने वाले समय में मंत्री पद भी चला जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले, आरजेडी में ही 27 साल तक एक ही व्यक्ति पार्टी प्रमुख रहा, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, महागठबंधन को सम्राट चौधरी का तेवर नहीं पता है। वो अपना पगड़ी उतारे हैं, अब महागठबंधन में सबकी पगड़ी उतार देंगे।
बिहार बीजेपी में बदलाव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा बिहार में किसी बीजेपी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए खोजा जा रहा है चेहरा। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से बातचीत की, बताया गया कि राहुल ने दुकान में बैठकर जूते में टांके भी लगाए। मानहानि केस में सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए थे, 5.5 साल पहले अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप, अगली सुनवाई 12 अगस्त को। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसी, आज से सुनीता केजरीवाल 2 दिन तक अंबाला, रोहतक और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगे। सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा सदन में मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी सांसदों ने मुझे जेल में भेजने की धमकी दी, पिछड़ों के हक में बात करने पर चेतावनी भी दी। बिजली बिलों में बढ़ोतरी के कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हुए। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदले जाने पर कर्नाटक में सियासी घमासान, बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी बोले इससे पता चलता है कि कांग्रेस को राम नाम से कितनी एलर्जी है। गुजरात में छात्रों ने किया अनूठा प्रदर्शन, पकौड़ा बनाकर जताया विरोध, बंद कॉलेज को फिर से शुरू करने के लिए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। और देखिए यूपी की सियासत का पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है, 9 सेकंड न्यूज में सारी अपडेट्स। दिल्ली में सीएम योगी और संगठन महासचिव बीएल संतोष की हुई मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा, कहा लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली और लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के हमेशा विरोधी रहे, वो खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, राज्य में सीएम बदलने की कोई चर्चा नहीं है, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। देश की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। जंग के बीच अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेलेंस्की से मिलकर युद्ध रुकवाने पर जोर दे सकते हैं, 9 जुलाई को पुतिन से भी मिले थे पीएम मोदी। कारगिल विजय दिवस की जयंती पर शहीद जवानों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा आतंक की आका के मंसूबे नाकाम होंगे। वायुसेना ने रजत जयंती दिवस विजय दिवस पर देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, इंडिया गेट पर महिला ड्रिल टीम ने करतब दिखाया, करगिल वार के शहीदों को नमन किया। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर ग्वालियर के महाराज बाड़े में मनाया गया करगिल विजय दिवस, सेना के अधिकारियों के साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। नीट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट एनटीए ने घोषित किया, कट ऑफ गिरी, टॉपर 61 से घटकर 17 हुए, 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का परिणाम बदला। दिल्ली के रहने वाले नीट परीक्षा के टॉपर मृदुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा मन में डर था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की नवी पुण्यतिथि आज, दिल्ली बीजेपी देगी श्रद्धांजलि, हेल्थ कैंप का भी वीरेंद्र सचदेवा उद्घाटन करेंगे। और कोर्ट से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका, अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का मामला, मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने जारी किया है अनमोल बिश्नोई, बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट।
सावन का महीना चल रहा है तो 9 सेकंड न्यूज में कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर मस्जिद और मजारों के सामने लगाए गए पर्दे को पुलिस ने हटाया। मस्जिद कमेटी का आरोप, प्रशासन के पास पर्दा लगाने का कोई ठोस वजह नहीं। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात। कांवड़ खंडित होने के आरोप में कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। रॉन्ग साइड से आ रही कार कांवड़िये से टकराई। कांवड़ियों का ट्रक चोरी कर भाग रहे आरोपी का एक्सीडेंट, हादसे में गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना। नेम प्लेट विवाद पर बागेश्वर बाबा बोले, दुकानों पर नाम लिखना सही है जबकि नाम छिपाना गलत है। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान। गाजियाबाद में कुछ इलाकों में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू वाले बोर्ड लगा रहे हैं, दुकान मालिकों का नाम भी लिख रहे हैं। और अब राज्य से जुड़ी खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकंड। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 300 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े जहाज ने लंगर डाला। ये किसी भी भारतीय तट पर पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। महाराष्ट्र के अलीबाग तट के पास अरब सागर में वही बोट के 14 कर्मचारियों का रेस्क्यू। कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा। आरती के समय एक नाग करीब 1.5 घंटे तक शिवलिंग पर बैठा रहा, उसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा। मध्य प्रदेश के कटनी में कुएं से जहरीली गैस का रिसाव, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। माइंस टीम ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल के बाहर प्रदर्शन। गरीब बच्चों के एडमिशन से जुड़े मामले को लेकर बच्चों के माता पिता ने नाराजगी जताई। और अब अपराध की दुनिया की खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड। नकल माफियाओं ने सीएसईआर नेट परीक्षा में सेंधमारी की। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में 3 कर्मचारियों को पकड़ा गया। यूनिवर्सिटी ने कहा हमारे कर्मचारी आरोपी नहीं है। फर्जी पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान जाने का मामला, ठाणे के एक डिजिटल आधार केंद्र से बनवाए गए थे फर्जी दस्तावेज। आधार केंद्र का मालिक जसवंत राठौर अरेस्ट। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घोटाले का किया खुलासा। करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। पीडब्ल्यूडी के एक रिटायर एडीजी, 2 प्राइवेट फर्म के मालिक गिरफ्तार। अहमदाबाद में पकड़ा गया नकली अधिकारी, खुद को पीएमओ एनआईए और रॉक का अधिकारी बताता था आरोपी। अलग अलग सिम कार्ड का करता था इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप। लैक्मे एकेडमी के संचालिका और उसके पति को जेल भेजा गया। छात्र छात्राओं ने की थी शिकायत।